संग्रह की माँ धनकर है, संग्रह के साथ ही बाला है। पास दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये माला है, सारी बस्ती में नारद की भूमिका। इस वर्ष खेतों में लहलहाती फसल देखकर सब खुश हैं। संक्रांति लाइट कहाँ से चालू हो गया भाई? हाँ भाई, संक्रांति डीडी किसान पे एक सीरियल संक्रांति अरियप्पन पिल्लई कल्लक्कड़ के उपन्यास पर आधारित है, जो केरल के साहित्यकार हैं। कल्लापार उनको अवार्ड मिला गया है। इस सीरियल में इक्वलाइजेशन यानी समानांतरता, जमींदारी प्रथा और किसान मजदूर खेत में काम करने वाले लोगों के बीच में जो पहले ऐसे होता था कि एक गांव या एक तहसील या एक कस्बा किसी एक जमींदार का होता था और उसमें लगान देनी पड़ती थी, दिन रात खेतों में काम करते थे किसान मजदूर खेतियार। लेकिन धीरे धीरे आज़ादी के साथ में कानून बना, गिरदावरी हुई, चकबंदी हुई और उसी के साथ में समानांतरता यानी इक्वलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। उसी पर आधारित एक सीरियल है जो रात को 9 बजे डीडी किसान चैनल पे एवरी गुरुवार और शुक्रवार को आता है। पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से सीरियल को सराहा गया है। साउथ का बेस लेके किया गया है, केरल का, और उसके अंदर कृषि प्रधान देश होने के नाते आज के संदर्भ में हमने नई तकनीक और नए युग का प्रारंभ करके और नई टेक्नोलॉजी के साथ में एक बच्चा है जो एजुकेशन के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाता है और सोलर से लेके और कंप्यूटराइज से लेके इन सब तकनीक के आधार पर किसानों के अंदर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ इसकी हमारे देश में बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या गांवों में बसती है और कृषि प्रधान देश होने के नाते पूरे विश्व में ये अभी चाहे गेहूं हो चाहे दूध हो या और कोई तकनीक हो उसमें अग्रसनीय रहा है। इन सब सब्जेक्ट को लेके और बाकी जो किसान जो रह गए हैं ये सीरियल देख के और उनको कुछ आगे तकनीक के आधार पर किस प्रकार से खेती की जाए, क्योंकि पानी और जलवायु दोनों का बहुत वो हो रहा है, इस वजह से ये सीरियल एक बनाया गया है। धन्यवाद। मेरा नाम आनंद गहलोत है, मैं इस सीरियल का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में ये मेरा